नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा sign.com साइट से डाटा प्राप्त कर मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तारी के दौरान कब्जे से 13 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 17 वॉकी टॉकी फोन, आपको बता दें 17 सिम कार्ड, 7 डेबिट कार्ड, विभिन्न कंपनी के 1 POS मशीन बरामद की गई है। गिरफ्तारी की जा चुकी है, 5 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। नोएडा से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, सेक्रेटरी की टीम के द्वारा एक फर्जी तरीके से नौकरी के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश है। इसमें बेसिकली इनके द्वारा किसी एक साइट से मोबाइल नंबर्स वगैरह लेकर लोगों को कॉल करके और नौकरी देने का के नाम पे उनसे पैसे अपने अकाउंट्स में डलवाए जाते थे। पहले तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लिए जाते थे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के नाम पे पैसे लिए जा रहे थे। हम लोगों ने इन सब लोगों को अभी सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, प्री एक्टिवेटेड सिम्स इनके पास रहे हैं वो बरामद किए गए हैं, और बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जिससे ये पता चल रहा है कि इन लोगों के द्वारा ये काम यहाँ पर किया जा रहा था। बेसिकली सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में एक ऑफिस लेकर के और ये पूरा एक फर्जीवाड़े का धंधा चल रहा था। बाकी इनके पूरे इतिहास का पता किया जा रहा है, इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके और हम लोग इसको जेल भेज रहे हैं और बाकी इनके बारे में छानबीन की जा रही है। ठीक,